नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और भारतीय जनता पार्टी के बीच आजकल तल्खी बढ़ती जा रही है, उनके रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही है। कई ऐसे मामले हैं जिस पर चिराग पासवान से उलट सोच रखते हैं और उनकी पार्टी का स्टैंड भाजपा से बिल्कुल ही अलग है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि दो अलग अलग सोच रखने वाले पार्टी एक साथ कैसे रह सकते हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के बदले सुर अभी बीजेपी को और परेशान करने वाले हैं। चिराग पासवान ने आज देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी। रांची में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास देश में जातीय जनगणना की समर्थक है। रांची में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है और इसका समर्थन करती है। चिराग ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा अपना रुख साफ रखा है कि वह जातीय जनगणना के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की सोच वाली होती है। ऐसे में सरकार के पास कम से कम उस जाति की जनसंख्या की जानकारी तो होनी ही चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि जातिगत आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। बता दें कि इससे पहले लेटरल एंट्री से लेकर SC ST आरक्षण में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने बीजेपी से बिल्कुल ही अलग स्टैंड लिया था। अब जातीय जनगणना के मामले पर भी NDA से अलग राय दिख रही है। चिराग पासवान इंडिया अलायंस की पार्टियों, कांग्रेस और सपा की जातीय जनगणना की मांग के साथ साथ खड़े दिख रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं और चिराग पासवान उनके समर्थन में आ गए हैं। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के भीतर चर्चाएं हो रही है, न सिर्फ SC ST के मामलों को लेकर बल्कि वक्फ बोर्ड कानून को लेकर भी चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने बीजेपी को मुश्किल में डाला है। बीजेपी नेता समझ रहे हैं कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है।